नमस्कार दोस्तों, तो मंडे को ये स्टॉक पूरी मार्केट हिला देगा। BHEL को 12,000 करोड़ के करीब का ऑर्डर मिल सकता है, 1400 करोड़ का तो डिसाइडेड हो भी चुका है। तो जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उससे 1405 करोड़ का ऑर्डर मिला है BHEL को। किस चीज के लिए इनको मिला है? स्टीम जनरेटर बनाने के लिए। तो हाईएस्ट रेटेड जो डेवलपमेंट कंपनी है BHEL, उसे ये ऑर्डर मिला है। और इसके अलावा, ये तो सिर्फ 1400 करोड़ है, इसके अलावा 10,800 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि टरबाइन बनाने के लिए है, स्टीम टरबाइन बनाने के लिए, न्यूक्लियर स्टीम, वो भी L1 बिडर साबित हुआ है BHEL, उसमें भी वो भी जल्द ही मिल सकता है। तो दोस्तों 12,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट टोटल मिला है, 10,800 और 1400 करोड़, तो 12,200 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट मिलने जा रहे हैं BHEL को। वैसे भी आपको पता है प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है और इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलना उस टाइम पे तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या टारगेट हो सकते हैं, इसका असर कैसा दिखेगा? तो सबसे पहले डिलीवरी परसेंटेज देख लेते हैं आज के दिन की। तो आज के दिन की डिलीवरी परसेंटेज रही है 13.5%, मतलब 4,62,00,000 शेयर की ट्रेडिंग हुई, जिसमें से 62,00,000 शेयर की डिलीवरी भी हुई है, 62,00,000। इसके टारगेट भी बताएंगे, सब बताएंगे, और ये प्राइवेटाइजेशन कब तक होगा ये भी बताएंगे। तो 13.5% की डिलीवरी है, काफी शानदार डिलीवरी भी है। और इसके अलावा अगर मैं कहूं टारगेट 70 रुपए, तो मैं कह रहा हूं इंट्राडे में आपको मंडे को ही मिलेंगे 80 रुपए के, एक वीक तक के टारगेट हो सकते हैं, 2 वीक तक, मतलब मैं कह सकता हूं 100 रुपए के लॉन्ग टर्म में अगर 6 महीने आप होल्ड कर सकते हैं तो 100 से ऊपर के टारगेट जाएंगे। जैसे इसकी प्राइवेटाइजेशन की बात आएगी, और वो होनी है 6 महीने के अंदर, 6 से 8 महीने के अंदर, तो 6 से 8 महीने में आपको इसके रेट 120 से 130 मतलब डबल करके देगा ये पैसा आप लोगों का लॉन्ग टर्म में। मतलब लॉन्ग टर्म भी इतना लॉन्ग भी नहीं है, 6 से 8 महीने कोई बड़ा टाइम नहीं होता डबल करने के लिए। तो गाइज प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।